so this is the final look of elbow chicken macaroni let's start it हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं खेर खैरियत से हैं और ई टी बाय सारा की रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से जाए और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी और जो मेरी डेली की फूड शॉर्ट ब्लॉग्स होते हैं शॉर्ट वीडियोस होती हैं फूड की वो देखने को मिले एल्बो मक्रोनी आज बनाते हैं साथ साथ मैंने मेंशन कर दिया है हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए श्रेडेड चिकन चाहिए उसमें जो मैंने दो मसाले अभी तक डाले हैं काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च साथ इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं ठीक है थीके? इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब आ, वैसे तो हम लोगों ने इसके अंदर चिकन अच्छी तरीके से बॉईल करके श्रेड करके डाला है ठीक है अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर रहे हैं ताकि उसका एक टेस्ट अच्छा बन जाए वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही डालें मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च बंद गोभी और ऑलिव्स पड़े हुए थे तो वो ऐड कर दिए थे आप लोगों के पास गाजर है प्याज है शिमला मिर्च है आप जो मर्जी डालें सिर्फ गाजर है वो भी डाल सकते हैं बच्चों को ये बहुत पसंद आता है मेरे बच्चों ने तो इसको बहुत मज़े सिखाया है एक चम्मच नमक डाल दें नमक डालने से क्या होगा वेजिटेबल का पानी भी छूट जाएगा और अच्छे तरीके से सोक हो जाएगा और एक जैसा चिकन में और वेजिटेबल का एक जैसा टेस्ट बन जाएगा ओके okay, बात कर रही थी मैं बच्चों की बच्चों को ये बहुत पसंद आई है मेरे बच्चों को तो उन्होंने तो मुझे भी नहीं खाने थे खुद ही खुद ही खा ली हैं तो आप लोगों ने क्या करना है इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी सॉसेस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं मेरे पास बेशुमार पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इनको यूटिलाइज़ करते हैं मैंने गार्लिक चिली गार्लिक यूज़ किया है चिपोटली सॉस यूज़ किया है और पेरी पेरी सॉस यूज़ किया है ओके अगर आपके पास सिंपल टोमेटो कैचअप है तो आप वो डालें और अगर आप स्पाइसी टच लाइक करते हैं तो एक होती है कुटी हुई मिर्च ठीक है आ, या दादर मिर्च आई थिंक इसको कहते हैं आप वो हाफ आ, टी स्पून डालें और वो उसी का स्पाइसी टच आ जाएगा और आप लोग वो भी डाल सकते हैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा सॉसेस की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती ग्रीन चिली चिलीज़ ऐड कर सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी अगर आप लोगों ने करना है और गिव इट अ गुड मिक्स ओके okay? अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसकी सारी सॉसेज इसके सब वेजिटेबल पे चिकन पे अच्छे तरीके से लग जाएं ओके ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे मेकरोनीस बॉयल लिए थे मुझे बेक पॉइलर के बहुत पसंद है अगर आप लोगों को किसी और ब्रांड के पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं तो ये मैंने हाफ़ पैकेट लिया था और इसको अच्छे तरीके से बॉईल किया था हाफ़ टी स्पून ऑयल डाल के और हाफ टी स्पून नमक डाल के इसको बॉयल किया था स्टेन कर लिया था और एक साइड पर रख दिया था इसकी जब मिक्सचर बन गया था फिर इसके अंदर एल्बोज मैं मे, एल्बो मेक्रोनिक ऐड कर दिए थे ओके ये हम लोगों ने आपके सामने आ, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है और इसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर लेनी चाहिए तो आप कर सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई विनेगर चिली सॉस वगैरह नहीं डाली ओके ये मैंने ऐसे ही बनाया और ये बहुत मज़े का बहुत यमी बना है ये जी हमारी रेडी हो चुकी है आप लोगों के सामने मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ ख़ूबसूरत सा आप लोगों ने क्या लेना है एक बर्तन ठीक है मेरे पास ये पड़ा हुआ था एक लीव स्टाइल में बाउल तो मैंने ये लिया है और इसके अंदर हम लोगों ने मेकरोनीस शिफ्ट किए हैं ओके तो मैंने आप लोगों को ये ऐसे करके प्रेजेंटेशन इसकी दिखाई है आप लोगों ने जब किसी मेहमान के लिए पेश करना है तो आप अच्छे अच्छे बर्तन यूज़ करें और मेरे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दुआओं में याद रखना है और इट्री बाय सारा को याद रखना है और सब्सक्राइब करना नहीं बोलना ओके जी अल्लाह हाफे